पानीपत नगर निगम शायद नींद में है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीर आप देखेंगे उसको देखकर यही लगता है। पानीपत में गंदगी का आलम है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार की इस पर नजर नहीं। नालों और ड्रेन की सफाई नहीं होने से लोगों को बीमारी का डर सता रहा है, तो अधिकारी अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। सरकार विकास को लेकर तमाम दावे करती है, तरह तरह के दावों को लेकर ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन पानीपत में अधिकारियों की लापरवाही आप खुद देख लीजिए। नालों और ड्रेन की सफाई नहीं होने से लोगों में बीमारी का खतरा बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खबरें अभी तक की संवाददाता ने पानीपत उपायुक्त से जब सवाल किए तो उन्होंने कहा कि ड्रेन की सफाई के सख्त आदेश दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके ड्रेन की हालत बद से बदतर हो गई है। थोड़ी सी देरी जरूर हुई है क्योंकि सभी इलेक्शन की प्रक्रिया में बहुत व्यस्त थे, ऐसा नहीं है, पूरी टीम्स बन चुकी हैं ड्रेन्स की क्लेनलीनेस के लिए और LNT के द्वारा भी ड्रेन्स की क्लेनलीनेस का काम किया जा रहा है ताकि पानी के खड़े होने की स्थिति ना बने, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा बाधक है हमारा पॉलिथीन। इसके बाद शहर में हो रही गंदगी को लेकर मेयर से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर को लेटर भेज दिया गया है, मैंने अपना काम कर दिया है, यानी कि मेयर ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब काम कहाँ अटका हुआ है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमारे ऑफिस से लेटर जा चुकी है कमिश्नर को भी कि मॉनसून आने वाला है, उससे पहले LNT को और उससे पहले पब्लिक हेल्थ वालों को बुलाकर ये लेटर दी जाए कि सारे के सारे ड्रेन्स, जितनी भी नालियां हैं वो सब सीवर सब साफ होने चाहिए। मेरे यहाँ से लेटर जा चुकी है, रिमाइंडर भी जा चुके हैं और अब तक इसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि क्या मॉनसून से पहले ड्रेनों की सफाई होती है या फिर नहीं, क्या लोगों को बरसात के दिनों में गंदे पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। पानीपत से प्रदीप रेजू की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।